19 सितंबर से श्री गणेश महामहोत्सव शुरू होने वाला है। इसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर भगवान श्री गणेश को विराजमान किया जाएगा, उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। लेकिन कई जगह पर लोगों के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी की मूर्तियां भी रखी जाती हैं और फिर विसर्जन के बाद यह नदी तालाब में किनारे पर रखी रह जाती हैं और जिन्हें देखकर काफ़ी लोगों को दुख भी होता है। इन्हीं सब से लोगों को जागरूक करने के लिए सागर की एक समिति के द्वारा मिट्टी के श्री गणेश लोगों को पूरे तरीके से निःशुल्क वितरण करने का बीड़ा उठाया गया है। सागर की गणेश मंडल समिति के द्वारा अब तक 26,000 प्रतिमाओं का वितरण किया जा चुका है। इस बार फिर 3100 श्री गणेश मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं का वितरण किया जा रहा है। सोमवार को सागर के मुख्य बस स्टैंड के पास स्थित रविंद्र भवन से इन गणेश प्रतिमाओं का वितरण किया जाएगा। गणेश मंडल समिति के अध्यक्ष रामावतार पांडे बताते हैं कि करीब 10 साल पहले जब बाज़ार में मूर्ति खरीदने के लिए गए थे तो पीओपी की मूर्ति देखकर उनके मन में यह ध्यान आया कि इसका विसर्जन होगा तो यह गल नहीं पाएगी। इसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि अब जब तक जीवन रहेगा तब तक मिट्टी के गणेश प्रतिमाओं को बनाकर जितना भी उनमें सामर्थ्य है उतना वितरण करवाते रहेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। इसके बाद से ही उन्होंने इन प्रतिमाओं को बनवा कर बंटवाने का काम शुरू किया। इसके लिए वह साल भर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ शनिवार और मंगलवार को करते हैं। इससे जो चढ़ोतरी होती है, गणेश कीर्तन करते हैं, इसमें जो आवक होती है उसको लेते हैं। वहीं जो लोग सहयोग करते हैं उनसे भी ले लेते हैं। इसके बाद जो भी खर्च रहता है वह भी स्वयं उठाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। कई सालों से मिट्टी के गणेश जी बांट रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हमने गुप्तेश्वर मंदिर से की थी। गणेश जी की ही प्रेरणा से हमने शुरुआत की है और हमें लगा कि अपने धर्म में जो पीओपी के गणेश जी वितरण होते हैं उनको छूने का भी पाप लगता है। तो धर्म के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से भी अगर अपन देखें तो मिट्टी के ही गणेश जी का पूजन करना चाहिए, वितरण करना चाहिए, खरीदना चाहिए। हमें 11 वर्ष हो गए और शुरुआत गुप्तेश्वर मंदिर से हुई थी, अब रविंद्र भवन से बांट रहे हैं। यहाँ असुविधा होती थी, ट्रैफिक जाम होता था, तो जनता की को देखते हुए हमने कि जनता को असुविधा ना हो तो रविंद्र भवन से हमने शुरू कर दिए। और माननीय पंडित गोपाल भार्गव जी इस कार्यक्रम में आते हैं और उनके भी आराध्य गणेश जी हैं और हमारे भी आराध्य गणेश जी हैं। तो ये जो कितनी तक ये जो प्रतिमाएँ हैं आप बांट देते हैं? लगभग 2,000-3,000, ऐसा कोई टारगेट तो नहीं रहा है, लेकिन हमने कोरोना काल में भी घर घर जाके गणेश जी बांटे हैं। लगभग अभी तक हमारी 25-26,000 प्रतिमाएँ हमने वितरण कर दी होगी। तो इसकी मतलब जो आपने शुरुआत की थी, क्या लगा था आपके साथ, ऐसी कौन सी घटना हुई थी या क्या देखा था जिसकी वजह से आपने मिट्टी के गणेश जी शुरुआत? ये प्रेरणा तो ईश्वर ही की है गणेश जी की। हमें ऐसा संकेत टाइप का मिला, गणेश जी बाजार में बिक रहे थे, हम गणेश जी खरीदने गए तो मैंने उससे पूछा कि पीओपी के, तो मन में ऐसा विचार आया कि पीओपी की गणेश जी हड्डी से बनते हैं, उनका छूना भी पाप है। इसलिए हमने मन में संकल्प किया कि जनता को, समाज को जागरूक करना है और मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमाएं का पूजन हो और घर घर सृजन, घर घर विसर्जन, गमले में विसर्जन करना चाहिए, नदियों में नहीं करना चाहिए। तो कब तक इनका वितरण करेंगे आप? जब तक जीवन रहेगा, जब तक हम में सामर्थ्य है, प्रभु की कृपा जब तक रहेगी तब तक हम गणेश जी वितरण करते हैं। अच्छा, इसमें जो इतनी सारी आप मूर्तियां बनवाते तो इसमें खर्च भी आता होगा, तो इसका कैसे वहन करते हैं? ये तो हमारी समिति है लेकिन आर्थिक स्थिति से समिति कमजोर है। जो कुछ भी जो देता है, साल भर हम लोग सुंदरकांड करते, गणेश कीर्तन करते, कुछ इसमें से आवक होती है, बाकी हम निजी बहन करते हैं।